विराट और रोहित को अगर हम आउट कर ले तो क्या पाकिस्तान जीत जाएगा? नहीं, फिर भी नहीं जीत सकता, कभी भी फिर भी नहीं जीत उनके सकते। नीचे बहुत बैट्समैन है, पांडे नहीं मान इनसे, इनके लिए तो पांडे ही नहीं मान है। इंडिया जहाँ जहाँ खेलते हैं 2/3% स्टेडियम नीली जर्सियों से भरा है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा नहीं, क्रिकेट का शौक है, वो क्रिकेट को पूछते हैं, नहीं वो क्रिकेट को पूछते हैं। रोहित शर्मा तो वो कैप्टन है जो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं, ऐसी विल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन लेकर आएगा? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो स्टाइलिश बैट्समैन है और जो पूरे फोकस के साथ जो है क्रिकेट खेल रहा है, और रोहित चला जाएगा, कोहली दोनों फॉर्मेट से चले भी जाएंगे तब इंडिया को लगेगा पता, क्योंकि ये बहुत बड़ा कप्तान बन चुका होगा, आज तक T20 का फाइनल ना हारा हो। चलो इंडिया आएगा तो इंडिया अपना तिरंगा भी लेके आएगा, और स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रहती है, चौके छक्के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी लोगों को मालूम होगा कि चैंपियन टॉप ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान होस्ट करेगा। वहाँ पर दोस्तों अनेक प्रकार की वर्ल्ड चैंपियन टीमें जाएंगी। दोस्तों वहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत जाएगा या नहीं, आप सभी को मालूम होगा पाकिस्तान के रिश्ते किस प्रकार से भारत के साथ हैं और किस प्रकार से पाकिस्तानी हरकतें भारतीय टीम के साथ करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रेजम दोस्तों आतंकवादी कंट्री, इस वजह से भारत नहीं जाता वहाँ पर खेलने पर। इस पर पाकिस्तान के लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इस वीडियो में उनकी राय देखते हैं। पहले इंडिया आएगा तो इंडिया अपना तिरंगा भी लेके आएगा, और स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रहती है, चौके छक्के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो जितने चौके छक्के बजेंगे उतनी जोर से वो तिरंगे लहराएंगे और अपने नेशनल सॉन्ग गाएंगे। एज अ लाहौरी, एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग होगी? जेशा ने कहा है यार, मैं जेशा का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन जब उसने कहा है ना कि रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर जीत के आएंगे, तो यार मैं डाउटफुल हो गया हूँ। सर, जेशा की तरफ से ये बयान आया है कि हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान से ट्रॉफी उठा के जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी की, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया में इतनी पावर है कि पाकिस्तान आगे ट्रॉफी उठा लेगा? इंशाल्लाह जीत जाएंगे वो, इंडिया जीत जाएगा इंशाल्लाह। क्या रीजन नजर आ रहा है? इनके ऊपर उम्मीद लगा ही नहीं सकते, अच्छा 19-20 भी लगा नहीं सकते इस टाइम, इनके हालात बहुत बुरे हैं पाकिस्तान के। हाँ जी, ये गुलाम है सारी उम्र। इंडिया जहाँ जहाँ खेलते हैं 2/3% स्टेडियम नीली जर्सियों से भरा है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। नहीं, क्रिकेट का शौक है, वो क्रिकेट को पूछते हैं, नहीं वो क्रिकेट को पूछते हैं, आपको पता है। इन्होंने कहा कि आप ये कंपैरिजन करें कि ज्यादा ग्रीन झंडा नजर आएगा कि तिरंगा नजर आएगा, ग्रीन ही नजर आना चाहिए। रोहित शर्मा तो वो कैप्टन है जो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं, ऐसी विल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन लेकर आएगा? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो स्टाइलिश बैट्समैन है और जो पूरे फोकस के साथ जो है क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी जो कवर ड्राइव और बाबर की कवर ड्राइव का भी कंपैरिजन किया जाता है। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और एक पिशावर जलमी में एक टैलेंट उभरा था साइम अयूब के नाम से, नो लुक शॉट, अगर उसको इन्वेस्ट किया जाए, PCB उस पर इन्वेस्ट करे, तो डेफिनेटली वो ये दो प्लेयर मेरी नज़र में ऐसे हैं जो आगे जाके जो है ऐसे पावर प्ले के अंदर अच्छा प्ले कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इंडियंस हमारे चैनल को देखते हुए कह रहे हैं हम नहीं आ रहे, कहाँ पे ये पाकिस्तान के नहीं आ रहे, वो उनकी अपनी चॉइस है, फिर इसमें जाहिर है वो डरते हैं इधर आने से, हमारी तरह दलेर नहीं है ना। हम तो लाहौरी हैं, जीदार, तो कहीं भी पहुंच जाते, कह रहे हैं भाई हमने नहीं मरना। हाँ, वो मरने से डरते हैं, हम मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान नहीं डरते मरने से, हमारा तो अकीदा है। वैसे मान ली शर्म वाली बात है, हमारे मुल्क में लोग इस वजह से नहीं आ रहे कि उन्हें जान का खतरा है, हर जगह जान का खतरा, हर जगह जान का खतरा। तो अगर इंडिया जीत जाए लाहौर के अंदर, कैसा रिएक्शन होगा? नहीं जीतेगा, पेंटिंग लगाएंगे। रोहित चला जाएगा, कोहली दोनों फॉर्मेट से चले भी जाएंगे, तब इंडिया को लगेगा पता, क्योंकि ये बहुत बड़ा कप्तान बन चुका होगा, आज तक T20 का फाइनल ना हारा हो। चलो ODI के अंदर जो हुआ उसका हिसाब पूरा करना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर 2 दफा जो फाइनल हारे उसका भी उसने हिसाब पूरा करना है। रोहित शर्मा और यहाँ से बाबर आजम, मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा तो आपको सामने ये एक आउट क्लास परफॉर्मेंस उसने दी है, बाकी बाबर आजम मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस काबिल है, क्योंकि एक टाइम हो गया है, अभी तो वो वीवो के एड में और इसमें और इसमें एडो में चल रहे हैं, डाटा बहुत है। नहीं कुछ नहीं कर सकता बाबर, अब इनको चेंज लाना चाहिए गेम में, चेंज होना चाहिए। शर्मा अगर कैप्टन है, जैसे बता दिया उन्होंने जेशा ने, और वो अपनी टीम को लीड करेंगे लाहौर के अंदर, तो आपको लगता है दूर दूर तक हमारा कोई चांस बनेगा कि हम जीतेंगे? बिल्कुल नहीं चांस बनता, बिल्कुल नहीं। इन लोगों को प्री प्लानिंग करनी चाहिए, और प्री प्लानिंग हम लोग हैं ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा इंडिया अगर जीत जाएगा? अभी इतनी दफा तो वो जीता है, गुस्सा नहीं आएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है तो बहुत खुशाइन बात है। मुझे लगता है कि अगर उन लोगों ने थोड़ा सा दिल नहीं बगाड़ा किया तो हम नहीं करेंगे उनका, जो उनका अमल था वो उनका था। हम ट्राई करेंगे कि उनको अच्छा प्रोटोकॉल दें,
अगर फ्लैग और सॉन्ग्स से मेरा नहीं ख्याल के कुछ फर्क पड़ता है दुनिया में। आपको क्या लगता है कि इंडिया जब हमें हमारे होम ग्राउंड पे हरा के जाएगा तब इन्हें गैरत आएगी कि तब भी नहीं आएगी? तब भी नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, नेवर एवर। अगर इनको गैरत आ रही होती या कुछ हो रहा होता तो ये यूएसए की टीम से जब हारे थे उस वक्त इनको बैकअप दे, अपना बैक प्लान तैयार करना चाहिए था कि यार हम नेक्स्ट एक बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, सब कुछ है, बट द थिंग इज दैट कि जब वो एक परफॉर्मेंस आई तो वी ऑल नो के फिर क्या हुआ। विराट और रोहित को अगर हम आउट कर ले तो क्या पाकिस्तान जीत जाएगा? नहीं, फिर भी नहीं जीत सकता, कभी भी फिर भी नहीं जीत। उनके नीचे बहुत बैट्समैन है, पांडे नहीं मान इनसे, इनके लिए तो पांडे ही नहीं मान है, पांडे ही नहीं मान, वो ही नहीं मान, वो अकेले ही खड़ा हो जाए तो इनको स्कोर सारे कर दे। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रॉफी उठा लेगा? नहीं, मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि और भी अच्छी टीम्स हैं, सिर्फ इंडिया अच्छी नहीं है, इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बाकी सारी टीम्स भी। पाकिस्तान को कहां देखते हो सारी सिनेरियो में? नहीं, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में क्योंकि अब खेलेंगे, होम ग्राउंड का एडवांटेज तो होता है थोड़ा। हमें न्यूजीलैंड की बी टीम हराई गई थी हमारे होम ग्राउंड में, वो तो हो जाता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम भी डिजर्व करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, और आप देखिएगा पाकिस्तान अगर इंडिया आ जाती है ना तो आपको भाई बहुत पहले टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगी। एग्जैक्टली, और देखिए आपको, देखिए जो भी, अब तो मैं काफी लोगों को कमेंट्स में देखता हूँ, कह रहे होते हैं कि हम आए अगर पाकिस्तान तो आप हमें जैसे कहते हैं मिलेंगे, ये करेंगे, काफी लोगों का माइंड बन रहा है। तो प्लीज अभी सारा का सारा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का, मैं आपको बता रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से एक महीने पहले तक इसका डिसीजन नहीं होना। ये ऐसी खबरें आती रहेंगी, खबरें कभी आएंगी इंडिया नहीं आ रहा, कभी आएंगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो रहा है जिसको कहते हैं चैंपियंस में, कभी ये आएगा कि पाकिस्तान में नहीं हो रही, खबरें आती रहेंगी। लेकिन सभी लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अपने एक ही कारनामे से बदनाम है, वो है भिखारी, आतंकवादी, दो काम दोस्तों, और इन्हीं कामों की वजह दोस्तों भारत कतई पाकिस्तान जल्दी नहीं जाता। एशिया कप में दोस्तों ऐसा ही दोस्तों हुआ था कि भारत जो कि पाकिस्तान ना जाते हुए बल्कि श्रीलंका ने एशिया कप खेला था, वो भी चैंपियन बना था, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। वर्ल्ड कप दोस्तों भारत ने होस्ट किया था, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, ओडीआई का, तो वहाँ पर पाकिस्तानी टीम आई थी। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये बोल रहे हैं बेचारे कि अगर भारत आएगा तो अपना झंडा कर लाएगा तो हमें फहराने नहीं देंगे, या कर देंगे, वाह कर देंगे, जिस प्रकार से भारतीय भारत में पाकिस्तानी तिरंगे को लहराया नहीं गया, उनका झंडा लहराया नहीं गया, उनको मोड़ कर फेंका गया उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब क्या सिक्योरिटी इशू दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है पाकिस्तानी बेचारों कितनी औकात नहीं कि भारत को पहले तो बुला सकें। अगर आईसीसी का अगर अच्छा हौसला, बीसीसीआई अगर मानी, सरकार मानी, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी का मामला अगर कुछ समय बाद अगर वहाँ पर कोई बम धमाका नहीं हुआ, अगर देखा जाए सर्वे हुआ तो वहाँ पर भारतीय टीम जा सकती है। भारतीय तिरंगे की दोस्तों बात करें तो सभी लोगों को मालूम है वहाँ तो भारतीय तिरंगे अधिक मात्रा में फहराए जाएंगे, अगर पाकिस्तान इसको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तानी को दोस्तों पीसीबी से लेकर पूरे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि भारतीय तिरंगे को फहराने से पाकिस्तान रोक सके। अगर ऐसा करता है दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि पीसीबी भी डूब सकती है, उनकी समझो कि बोर्ड जो होता है, क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों इस समय बीसीसीआई का दबदबा बना हुआ है दुनिया भर में, जिस प्रकार से समझो कि हाथ ही है, समझो कि दोनों भाई ही भाई हैं आईसीसी बीसीसीआई, क्योंकि जितना फंडिंग करता है आईसीसी तो पूरा बोर्ड मिलाकर वर्ल्ड का उतना फंडिंग नहीं करता है आईसीसी को, आप सभी को मालूम ही होगा। और दोस्तों वर्ल्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड की बात करें तो सभी लोगों को मालूम है पाकिस्तानी बेचारे किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे थे कि बीसीसीआई के पास पैसा आई, सोच से आईसीसी को देकर उन्होंने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप समझो के खरीदा है, मतलब दोस्तों कुछ भी ये लोग भोगते रहते हैं, अब सभी को मालूम है कि जब हार जाते हैं बेचारे तो कुछ ना कुछ कमियाँ निकालते ही रहते हैं, जब दोस्तों ये अपने टीम को नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कि ये लोगों यूएसए से डॉलर लेकर जो कि हार जाते हैं तो भारतीय टीम को किस प्रकार से ट्रोल करेंगे आप सभी को मालूम होगा। ट्रोल दोस्तों ये लोग बेचारे भिखारी नंगे क्या करेंगे, ये दुनिया इनको खुद ट्रोल कर रही है। आप लोग दोस्तों क्या कहना है कमेंट से जरूर बताएगा कि भारत 2025 की ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने जाएगा या नहीं, कमेंट से जरूर बताएगा। और दोस्तों पहली बार चैनल पर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में।